नमस्कार, मैं हूँ कुसुम राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि के धुरंधर में, जहाँ मैं आपको रूबरू कराती हूँ उत्तराखंड के कलाकारों से। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद है उत्तराखंड के युवा कलाकार, जिन्होंने काफी कम उम्र में अपनी गायकी से, अपने अभिनय से लाखों लोगों को इम्प्रेस किया है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच मैम, मैं आपका थैंक यू करना चाहूँगा कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया आज, और आपके दर्शक जितने भी होंगे वो आज मुझे देख पाएंगे, पहचान पाएंगे, मेरे बारे में जान पाएंगे, तो उस चीज़ के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अभिनव जी, मैं चाहूँगी आज का जो हमारा कार्यक्रम है उसकी शुरुआत आपकी जो गाने की दो लाइनों से हो जाए, तो हमारे दर्शकों के लिए इस गाने की दो लाइनें मैं सभी के सामने सुनाना चाहूँगा। ठंडी ठंडी हवा चल दी मेरे पहाड़ों भी, गुफगू गुती भी बाशों ऊंचे धारों दी, गाँव गाँव दी सड़का चल दी मोटरों का रौली, परदेसी तू आ जा घूम दी मेरे पहाड़ों भी, परदेसी तू आ जा आ जा हो ठंडी ठंडी हवा चल दी मेरे पहाड़ों की, गुफगू गुती भी बाशों ऊंचे धारों दी, गाँव गाँव दी सड़का चल दी मुटरों का रौली, परदेसी तू आ जा। बहुत ही खूबसूरत आपने गाया, तो मैं चाहूंगी इसका जो मीनिंग है हमारे दर्शकों को बताइए, इसकी क्या मीनिंग है। मैम, दरअसल ये जो सॉन्ग है ये जौनसार बावर जो एरिया है उत्तराखंड का, उसको रिप्रेजेंट करता है। मतलब वहाँ पे जैसे ठंडी ठंडी हवा, खैर वो तो पहाड़ों की चीज है ही, बट वहाँ पे जैसे हमारा मंदिर है हनोल टेम्पल जो है, महासु देवता हम जो जौनसारी मानते हैं उसको दर्शाया गया है। बेसिकली जौनसार में जो भी कल्चर है, जो भी फ्रूट है वहाँ का, जो भी छोटी छोटी नुआंसेस हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये गाना पूरे जौनसारियों का ही है, ये सिर्फ मेरा ही गाना नहीं है, जौनसार बावर का गाना है। मतलब गाने के माध्यम से आपने पूरे जौनसारी कल्चर को मतलब प्रमोट कर दिया है। मैम, पूरे जौनसार, क्योंकि जुबिन भैया ने जो है इसको प्रमोट करा है हमारे साथ, तो उन्होंने भी जो है जौनसार को प्रमोट करने में कोई कमी नहीं छोड़ी अपनी तरफ से, तो मुझे लगता है मेरा भी ये हक बनता है कि मैं अपने जौनसार से, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ उसको प्रमोट करूँ। तो इस गाने में देखा गया है बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है, तो ये पूरा जो गाना है आपने कहाँ पे, जौनसार में ही शूट किया है या उत्तराखंड के अलग अलग लोकेशन? मैम, ये गाना पूरा आपका जौनसार बावर के एरिया में शूट हुआ है, कोटी कनासर में शूट हुआ है, हनोल टेम्पल हम गए थे, मतलब सारी लोकेशन लाइव लोकेशन है सारी की सारी। हनोल टेम्पल गए थे, मतलब आप ये लगा लो कि मेरे को इससे पहले बाइक चलानी आती नहीं थी, तो मैंने रास्ते में चलाते चलाते दोस्त की बाइक मांग के मैंने रास्ते में बाइक सीखी, क्योंकि मेरे को 300-400 किलोमीटर पूरा वहां तक बाइक ले जानी थी, क्योंकि हमें पूरी जगह बाइक से शूट करना था। तो हाँ, काफी मतलब एडवेंचरस रहा ये चीज, और काफी सीखने को मिला। इसका शूट ऑलमोस्ट एक हफ्ते का था, तो एक हफ्ता आप ये मान के चलो कि हम सुबह 4 बजे उठ रहे थे, ठंड की बहुत ज्यादा, और रात रात को 12-12, 1-1 बजे सोया जा रहा था। तो मतलब ये जौनसार में ही सारा गाना आपने शूट किया है, पूरा जौनसार। अभिनव जी, जैसे देखा जाता है जो आप आज की युवा पीढ़ी है वो पाश्चात्य संस्कृति की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रही है, लेकिन आपने अपने कल्चर को बढ़ावा दिया है, तो इसकी जो प्रेरणा है ये कहाँ से मिली आपको? मैम, ये आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इसके जो प्रेरणा जो मिली है वो पापा से मिली है मुझे, कलम सिंह चौहान सर से। तो पापा का क्या है कि वो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, और उनको जैसे सैटरडे संडे जब भी टाइम मिलता है तो वो अपने गाँव चले जाते हैं। तो मतलब जब मैं उन्हें देखता हूँ कि वो इतनी बड़ी पोस्ट पे हैं और फिर भी अपने कल्चर से इतने जुड़े हुए हैं कि वो जब भी गांव जाएंगे तो वहाँ पे जो जैसे धान लगाते हैं तो वो करेंगे, छोटे छोटे काम होते हैं उनको बहुत पसंद है। तो मैं ये देखता हूँ और मैं ये सोचता था पहले तो मैं बचपन में कि क्यों करते हैं, ये गाँव क्यों जाते हैं, यहाँ पे रहो मजे करो ऐसे। बट मैंने जब देखा कि वो गाँव जाते हैं और ये काम करते, तो मुझे लगता कि नहीं यार, कुछ तो बात होगी, कि अपने रूट से जुड़ना एक होता है ना, वो मैंने अपने पापा से सीखा है। अभिनव जी, मैं आपके बारे में जानना चाहूंगी, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपकी जो एजुकेशन है वो कहाँ से कंप्लीट हुई है? मैम, मैं बेसिकली देहरादून, मेरा बर्थ लखनऊ में हुआ था 1998 में, फिर 2 साल बाद हम लोग देहरादून ही शिफ्ट हुए, तब से मैं यहीं पे हूँ। और बाकी स्कूलिंग मेरी हुई है एन मेरी स्कूल से,
एंड कॉलेज मेरा हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, रामजस कॉलेज से मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स करा है. एंड बस उसके बाद म्यूजिक में ही मेरा पैशन रहा है, तो फिर उसी पे उसके बाद म्यूजिक को ही आपने अपना करियर बना दिया. हाँ, उसी को ही मैं मतलब करियर बनाना चाह रहा हूँ. अब लोगों के दिलों तक मेरी आवाज़ पहुँच पाती है नहीं पहुँच पाती है वो तो खैर लोग ही डिसाइड करते हैं. बहुत खूबसूरत. इसके अलावा आपने MTV के एक रियलिटी शो में पार्टिसिपेट किया है, तो उसका एक्सपीरियंस हमारे दर्शकों को बताइए. मैंने करीब एक साल पहले MTV का एक रियलिटी शो मिस्टर एंड मिस 7 स्टेट्स उसमें पार्टिसिपेट किया था एंड मैं वन ऑफ द फाइनलिस्ट रहा था. भले ही जीत ना पाया लेकिन फाइनलिस्ट था मैं. तो वो भी एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो वन इन अ लाइफ टाइम का ही है. मतलब ऐसे एक्सपीरियंस आपको बार बार नहीं मिलते करने को, सो आई थॉट क्यों ना किया जाए एक बार. और इसके अलावा आपने अभिनव जी बहुत सारी वेब सीरीज में भी काम की है, मूवीज में भी काम किया है और एल्बम सॉन्ग्स में भी आपने काम किया है, तो मतलब इतना सारा टैलेंट एक साथ कैसे मैनेज करते हो आप? मैम ये तो खैर मेरे मम्मी पापा की ही देन है. मेरा तो जैसे पापा और मम्मी मेरे दोनों ही इतने सपोर्टिव हैं कि उन्होंने कभी मुझे किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया. कि अगर मैंने कहा है कि मुझे एक्टिंग फील्ड में कुछ करना है तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा आपका हम सपोर्ट कर रहे हैं, आप करो जहाँ तक जा सकते हो. म्यूज़िक में मैंने कहा तो उसने भी सपोर्ट किया. और बस यही है, लकी हूँ मैं कि ऐसे पेरेंट्स मुझे मिले हैं और जितनी भी ऑडियंस भी है वो भी मुझे अच्छा प्यार दे रही है. तो बस मतलब आपके फादर भी गाना गाते हैं? मैम उनको क्या कहते हैं, वो जैसे पुराने ज़माने में होता था ना तो उनको शौक बहुत था. बट जैसे पुराने ज़माने में आपको पता है कि इतना नहीं करते थे फिल्म के बारे में कि मतलब एक जॉब पकड़ लो और बस उसी में घुस जाओ. तो पापा के दिल में ये चीज़ें रह गई. मतलब एक वो होता है ना, फैमिली को आप संभालते संभालते आप अपनी जो ख्वाहिशें हैं उनको मार देते हो. तो पापा की ये जो ख्वाहिशें हैं वो थोड़ी थोड़ी मैं सोच रहा हूँ मैं पूरी करूँ. तो कोई ऐसे गाना जो आपके फादर का आप गुनगुनाना चाहो? पापा जैसे पुराने पुराने गाने बहुत सुनते थे तो उनका एक फेवरेट गाना है, ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा कहाँ दो दिलों में ये मिलकर कभी हम ना होंगे जुदा. ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा. तो पापा को बहुत शौक है गाने का भी और एक्टिंग करने का भी. मतलब अब तो खैर सीख नहीं पा सकते क्योंकि बिजी स्केड्यूल है बहुत ज्यादा. तो मैं सोचा कि मैं भी, क्योंकि मेरे को भी मन था तो आई थिंक इसी वजह से मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिल भी पाया, वरना नहीं मिलता, वरना बहुत मुश्किल होता उन्हें. अगर बॉलीवुड में आपके फेवरेट सिंगर की या आइडल की बात की जाए तो बॉलीवुड में आपका फेवरेट सिंगर कौन है? मैम बॉलीवुड में अभी तो जुबिन भैया मेरे बहुत फेवरेट हैं. और जुबिन नौटियाल भी वही जॉनसार से ही बिलोंग करते हैं? हाँ मैम जॉनसार से बिलोंग करते हैं. क्योंकि मैं सिर्फ इसीलिए उनका नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे सॉन्ग का विमोचन करा है इसलिए. क्योंकि अगर आप उनकी जर्नी देखेंगे तो उन्होंने बहुत ही लो से स्टार्ट करके और इस ऊंचाई पे वो पहुंचे हैं ना, तो वो जर्नी अपने आप में बहुत ही इंस्पिरेशनल है सबके लिए. और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि उनकी टीचर, उनकी गुरुजी वंदना श्रीवास्तव मैम, उनसे ही मैं म्यूजिक सीख रहा हूँ. अच्छा जो जुबिन नौटियाल को सिखाते थे उन्हीं से आप भी सीख रहे हैं? उन्हीं से मैं भी ट्रेनिंग ले रहा हूँ. अभी सीखे हुए मेरे को 8-9 महीने हुए हैं, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है. तो इससे पहले भी अभिनव जी आपने एक पहाड़ी सॉन्ग गाया था जिसको मतलब दर्शकों ने खूब सारा प्यार देकर 1 मिलियन तक पहुंचाया था, तो उस गाने के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए और 2 लाइनें इस गाने के भी हमारे दर्शकों के लिए. उस गाने का नाम था कोदो का कोदुआ. वो एक जॉनसारी फोक सॉन्ग ही है. ये मेरा सबसे पहला सॉन्ग था. ये तब की बात है जब मैं सीखता भी नहीं था ज़्यादा, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को मेरी आवाज़ बहुत पसंद आई. तो क्यों ना उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना सीखा जाए इसको, ढंग से तालीम ली जाए और फिर गाया जाए. तो वो गाना भी दरअसल हमारे जो कल्चर है उसी को ही रिप्रेजेंट करता है. ये रोटी होती है आपको बताइए, कोदो का कोदुआ मतलब कोदो एक आटा होता है उसकी रोटी होती है. कोदुए को कहते हैं रोटी, मतलब हम ना जौनसार साइड में. तो आपकी 2 लाइन सुनाता हूँ. 2 लाइन उस गाने की.
कोदो का कोदुआ छुआया को शाक्ति तू बितोड़ी मेरे गाँव के भाग। कोदो का कोदुआ छुआया को शाक्ति तू बितोड़ी मेरे गाँव के भाग। बिजो बिजुरिया का नांदो गोरु मुहिशी भेड़ा बाके रुसो टेटी के साथ मेरी पातेड़ी छाश्ति तू बितोड़ी मेरे गाँव का साथ। छाया को साके तू भी तोड़ी मेरे गाँव के भाग। कोदो का कोदुआ छाया को साके तू भी तोड़ी मेरे गाँव। तो इस गाने की मीनिंग मतलब हमारे दर्शक बहुत सारे जिनको जॉन सारी समझ नहीं आती उनके लिए इस गाने का मतलब। मैम इस गाने का मीनिंग ओवरऑल मीनिंग तो यही है कि हमारे गांव में क्या क्या होता है, मतलब कोदो की रोटी होती है, ये होता है, वो होता है। तो इसके जो पैराग्राफ्स है अगर आप इस गाने को अच्छे से सुनेंगे तो आपको अपने आप थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो हमने वीडियो भी बनाई है ना अगर आप वो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि दरअसल जौनसार में क्या होता है, क्या चीज़ें हैं, क्या क्या, मतलब आप समझ रहे हैं छोटी छोटी चीज़ें जो लोगों को पता नहीं है। मतलब दरअसल काम सब गाने का वही है कि जौनसार को प्रमोट करना है। क्योंकि देखा भी जाता है कहीं ना कहीं अगर आप उत्तराखंड में गढ़वाल कुमाऊं और जौनसार में कंपैरिजन करा जाए तो गढ़वाल और कुमाऊं में लोग धीरे धीरे अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, लेकिन जौनसार की साइड हम लोग जाते हैं वहाँ पे अभी भी अपने कल्चर को लोग बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं और जो वहाँ का वेशभूषा है उसमें रहते हैं। तो आप लोग भी उस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। तो अभिनव जी, अगर आप हमारे जो आज की युवा पीढ़ी है उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? मैम आज की युवा पीढ़ी को मैं यही कहना चाहूँगा कि देखो दोस्तों, बात यह है कि अपने कल्चर को कभी मत भूलो, क्योंकि जिसने इस कल्चर को भूल गया है ना और वो चला गया ना तो उसको फिर किसी ने याद ही नहीं रखा है। क्योंकि आप जिससे पैदा हुए हो, आप जिस मिट्टी से बड़े हुए हो, आप उसको कैसे भूल सकते हो? मतलब लोग बहुत ही आजकल, मैं बताना चाहूँगा ये चीज़ कि आजकल के जो मेरी एज के लोग हैं वो बहुत ही कूल वूल बनने के लिए उनको ये लगता है कि यार गांव है क्या है यार, भेड़ बकरी क्या बकवास है, शहर में जाओ, शहर में ये पैसे कमाओ, ये कमाओ, वो कमाओ। वो सब ठीक है, वो सब अच्छी एम्बिशंस का एक पार्ट है, लेकिन आप जहाँ से बिलोंग करते हो अगर आप उसे भूल गए तो फिर आपको कोई याद नहीं रहेगा, आप कहीं पर भी सक्सेस नहीं पा सकते हो। ये तो ये मैं अपने पापा से भी सीखा हूँ और ये मैं जुबिन भैया से भी सीखा हूँ कि अपने रूट से हमेशा कनेक्टेड रहें, कभी उसको नहीं भूलें। हाँ, क्योंकि उनके भी बहुत सारे गाने हैं जो जौनसारी कल्चर पे मैंने देखे हैं, बहुत सारे सॉन्ग्स हैं उनके भी। तो अभिनव जी, आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स की बात की जाए तो कौन कौन से हैं अभी? हम आने वाला प्रोजेक्ट मैं जैसे शूट कर चुका हूँ दो तीन चीज़ों के लिए। एक तो मेरा है सीरियल आ रहा है, एक दूरदर्शन में के लिए है वो, तो वो भी जैसे 2 साल पहले मैं शूट कर चुका था, वो आएंगी। बाकी अभी 2 फिल्में और है बॉलीवुड की फिल्में, उसमें मैंने एक्ट किया है, तो ये बाकी है। और एक वेब सीरीज और है, मतलब 2 वेब सीरीज, एक सीरियल हो गया, एक वेब सीरीज हो गई और 2 फिल्में हैं जो आने वाली। अभिनव जी, आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। यूं ही हमारा जो उत्तराखंड है उसका नाम रोशन करते रहिए। और मैं चाहूंगी आखिर में हमारे दर्शकों के लिए एक गाना जाते जाते ही चाहिए। एक गाना, ठीक है, आपका फेवरेट गाना। ठीक है, एक गाना मैं सुनाना चाहूंगा। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आए हो, अभी अभी तो, अभी अभी तो आए हो, बहार बन के छाए हो, हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के फूल पी तो लूं। बहुत खूबसूरत गाया आपने अभिनव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे से जुड़े और आपने हमारे जो दर्शक हैं उनको तमाम प्रकार की जानकारियां दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।